बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये राजकुमारी अंजना के सौंदर्य से आकर्षित शंब साधन अचानक प्रकट होकर देवी अंजना को बलपूर्वक उठाकर अपनी गुफा की ओर भाग निकलता है। अंजना का आर्तनाद वानर राजकुमार केसरी के कानों में पड़ता है तो वे तुरंत दुष्ट शंब साधन का पीछा करके अंजना को मुक्त कराते हैं तथा उसे समाप्त करके अंजना के मन मंदिर में देवता का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अंजना के पिता महाराज कुंजर केसरी द्वारा शम साधन को समाप्त करके अंजना की रक्षा का समाचार लेकर केसरी के पिता वसुकी के पास पहुंचते हैं तथा अपनी पुत्री का हाथ राजकुमार केसरी के लिए प्रस्तुत करते हैं और फिर भगवान शिव की इच्छा तथा वरदान के अनुसार राजकुमारी अंजना का विवाह महाराज केसरी के साथ विधि पूर्वक संपन्न होता है। इस घटना से सारे संसार में प्रसन्नता छा जाती है, परंतु पवन देव अपनी पूर्व प्रेमिका पुंजकस्थला के नए अवतार अंजना को खोकर व्यथित हो जाते हैं। पवन देव अपने मन की व्यथा लेकर जब महादेव के पास कैलाश पहुंचते हैं तो शिव उन्हें समझाते हैं कि पूर्व जन्म की पुंजकस्थला को उन्हें सदा के लिए भूल जाना होगा क्योंकि देवी अंजना अब सारी पिछली बातें भूल चुकी है। उधर स्वर्गलोक में देवगण इंद्रदेव से विनती करते हैं कि पवन देव का प्रायश्चित अब पूर्ण हुआ, अब उन्हें पुनः स्वर्गलोक बुला लेना चाहिए। इंद्रदेव शची और देवताओं सहित जब भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचते हैं तो शिव उन्हें समझाते हैं कि पवन देव का महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष है, उन्हें कैलाश में ही रहना होगा। पवन देव शिव की आज्ञा स्वीकार करते हैं। स्वर्ग की ओर लौटते हुए इंद्रदेव जब रावण और उसके भाई बहन को तपस्या करते देखते हैं तो क्रोधित होकर वरुण देव और अग्निदेव को आदेश देते हैं कि उनकी तपस्या तुरंत भंग कर दें। उसके बाद वरुण देव घनघोर वर्षा प्रकट करते हैं। उस तीव्र झंझावात का सामना कुंभकर्ण और शूर्पणखा नहीं कर पाते और भाग निकलते हैं, परंतु रावण फिर भी तपस्या में अडिग खड़ा रहता है। ये देखकर अग्निदेव अग्नि की तीव्र ज्वालाएं प्रकट करते हैं, परंतु रावण पर उनका भी कोई प्रभाव नहीं होता। उधर आश्रम में कुंभकर्ण और शूर्पणखा को भाग कर आए देखकर केक्सी घबरा जाती है, परंतु जब उसे पता चलता है कि देवताओं का प्रकोप रावण की तपस्या भंग नहीं कर पाया तो वो प्रसन्न होती है। केक्सी तपस्या स्थल पर पहुंचकर उन्हें आदेश देती है कि चाहे प्राण चले जाएं परंतु वे रावण का साथ कदापि न छोड़ें। इधर इंद्र तथा देवता वरुण देव और अग्निदेव के प्रकोप का रावण की तपस्या पर कोई प्रभाव होते न देखकर चिंतित होते हैं। जब वरुण देव इंद्र से अनुरोध करते हैं कि वे ब्रह्मा जी से रावण पर प्रसन्न न होने की प्रार्थना करें तो इंद्र कहते हैं कि वे ये कर चुके हैं, अब उन्हें कोई और उपाय करना होगा। उधर समय बीतने के साथ साथ रावण की तपस्या और उग्र होती जाती है और बालक रावण युवा रावण बन जाता है। वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का निश्चय और दृढ़ कर लेता है। इधर विश्वा ऋषि अपने धर्मात्मा पुत्र विभीषण को सभी धर्म क्रियाओं में निपुण बनाकर आश्रम का उत्तरदायित्व उसे सौंपने का निश्चय करते हैं। उसी समय केक्सी आकर विभीषण को अपने मातृत्व की दुहाई देकर उसे रावण की तपस्या में सहायता के लिए जाने पर विवश करती है। विभीषण रावण के पास पहुंच जाता है। नारद मुनि देवी अंजना के पास पहुंचकर उसे पूर्व जन्म में मिले शिव के वरदान की याद दिलाते हुए तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अंजना, महारानी अंजना, कहाँ है महारानी अंजना? महाराज, महारानी अंजना प्रातःकाल से ही महल में नहीं है। महल में नहीं है तो कहाँ है? हमने उन्हें चारों ओर खोजा महाराज, परंतु उनका कहीं पता नहीं। ये तुम दोनों कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रही हो? महारानी अगर महल में नहीं है तो कहाँ है? महाराज की जय हो। महाराज, जैसे ही हमें पता चला कि महारानी अंजना महल में नहीं है तो हमने चारों ओर खोज की, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। यही कहना चाहती हो ना तुम? लज्जा से डूब मरना चाहिए तुम्हें। वानर राज की महारानी महल से अदृश्य हो जाए और किसी को पता ना चले, ये अनर्थ कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम? हम स्वयं उनके बारे में पता लगाएंगे। महारानी अंजना, 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 अंजना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम मेरे आराध्य देवाधिदेव विष्णु। विष्णु का प्रणाम स्वीकार कीजिए विश्वनाथ शिव शंकर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आप देवी अंजना की पुकार सुन रहे हैं प्रभु? इसीलिए तो हम दोनों यहाँ एक दूसरे के दर्शनार्थ प्रकट हुए हैं, जिसकी हम युग युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो समय आ गया है प्रभु, आपके अगले अवतार में आपके चरणों का सेवक बनने के लिए। मेरे 11वें रुद्र अवतार की होने वाली माता देवी अंजना की पुकार अब अनसुनी नहीं करनी चाहिए। 11वें रुद्र अवतार की आपकी जन्म कामना ही तो मुझे यहां तक खींचकर लाई है भोलेनाथ। सचमुच अब समय आ गया है, विलंब अब असंभव है। तो जाइए प्रभु, देवी अंजना के उद्विग्न मन को शांत कीजिए, उसे वरदान दीजिए कि उसका होने वाला महाबली प्रतापी पुत्र, भक्तों और वीरों में शिरोमणि 11वां रुद्र अवतार शीघ्र ही उसके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला है। ये कर्तव्य तो आपका है भोलेनाथ, इसलिए तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपकी आराधना कर रही है। मैं तो पहले ही पिछले जन्म में वानर वानरी के रूप में मेरी आराधना करने वाले पुंजिक स्थला और केसरी को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे चुका हूं प्रभु। अब एक ही वरदान दोबारा कैसे दिया जा सकता है? ये कैसी उलझन में डाल दिया है आपने हमें? आराधना तो वो आपकी कर रही है और उसे दर्शन देकर वरदान हम दें, ये कैसे संभव है? ये सर्वशक्तिमान विश्वेश्वर शिव की महानता की अवहेलना होगी। अब आप ही अंजना की तुष्टि का कोई और उपाय सोचिए प्रभु। जैसी आज्ञा प्रभु। मैं अभी कैलाश जाकर वहां प्रतीक्षारत पवन देव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्हें देवी अंजना की तपस्या सिद्धि के लिए उनके पास भेजता हूं। अब आपकी हमारी अगली भेंट आपके हमारे अगले अवतार में होगी। प्रणाम मेरे आराध्य। प्रणाम महादेव। नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवी अंजना। आप कौन हैं? मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। मैं पवन देव, भगवान शिव का प्रतिनिधि बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं देवी अंजना। मैंने स्वयं भगवान शिव के दर्शनों की कामना की थी पवन देव, वे ही मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। देवी, भगवान शिव आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान आपको पिछले जन्म में ही दे चुके हैं। मैं तो यहाँ शिवाज्ञा से उसी वरदान की पुष्टि करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। परंतु अब मैं आश्वासनों पर जीवित नहीं रह सकती पवन देव। जब तक भगवान शिव स्वयं मुझे मातृत्व का वरदान नहीं देते, मैं यही उनकी तपस्या करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। जैसी आपकी इच्छा देवी, मैं आपका यह संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। शंकर, जय भोलेनाथ। पवन देव, आपने देवी अंजना तक हमारा संदेश पहुंचा दिया। आपकी आज्ञा अनुसार देवी अंजना को मैंने वरदान का संदेश पहुंचा दिया है। परंतु भोलेनाथ, जब तक आप स्वयं प्रकट होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान ना देंगे, तब तक वे तपस्या नहीं छोड़ेंगे, यह उनका दृढ़ निश्चय है। हमारे 11वें रुद्र अवतार की दृढ़वर्ती माता के लिए ऐसा निश्चय स्वाभाविक है पवन देव। जिस कार्य के लिए आप कैलाश में निवास कर रहे हैं वो अभी शेष है। जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए। नमः शिवाय। अंजना। ओम नमः शिवाय। अंजना। ओम नमः शिवाय। अंजना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी अंजना, हम तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैं। तुम शीघ्र ही हमारे 11वें रुद्र अवतार, परम शक्तिशाली अद्वितीय रिद्धि के धारक पवन वेगी वज्रांगी पुत्र की माता बनोगी। अब ये तपस्या छोड़ो और अपने पति के साथ अपने महल लौट जाओ। धन्य हो महादेव, धन्य हो। बरसों की प्रतीक्षा के पश्चात
आपने स्वयं के रुद्रावतार की माता बनने का वरदान देकर मुझे धन्य कर दिया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी महेश्वर, कभी नहीं। जय शिव शंकर। तुम धन्य हो देवी, धन्य हो। अंजना, मैंने स्वयं भगवान शिव की आकाशवाणी सुनी है, तुम्हारी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। अंजना, अब तुम एक असाधारण पुत्र की माता बनोगी। हाँ स्वामी, भगवान शिव के वरदान में संदेह का कोई अवकाश नहीं। हाँ। अब आपको पिता का और मुझे माता का पद देने वाला केसरी नंदन अंजनी सूत शीघ्र ही प्रकट होगा। चलो अब महल लौट चलो देवी, तुम्हारे अचानक चले आने से वहां सब चिंतित है। चलो स्वामी। क्या आप हमसे अप्रसन्न हैं देवी? अप्रसन्न और आपसे? हाँ, क्योंकि हम विवाह के तुरंत बाद अपने साम्राज्य के विस्तार में लग गए और तुम्हें समय न दे पाए। पर सच मानो, हम वहां रणभूमि में थे और हमारा मन तुम्हारे आसपास भटक रहा था। हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाए, और जब हम रणभूमि से वापस आए तो तुम्हें महल में ना पाकर हम व्याकुल हो उठे। मैं जानती हूं स्वामी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। तो फिर एक बात बताइए, तुमने हमें क्षमा किया कि नहीं? क्षमा? कैसी क्षमा देव? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको क्षमा करने की अधिकारिणी कैसे बन सकती हूं? अंजना, हम जानते हैं माता बनने के लिए तुम कब से तरस रही थी, और हमने अपनी धुन में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। समय से पहले कुछ नहीं हो सकता स्वामी, कुछ नहीं। इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं है। सच कह रही हो तुम? तुम इस देरी के लिए हमें दोषी नहीं मानती? बिल्कुल नहीं देव, आप ये संदेह अपने मन से निकाल दीजिए। मैं तपस्या ना करती तो ये वरदान मुझे कैसे मिलता? और तपस्या करने में मैंने देरी की, ये मेरा दोष है, आपका नहीं। सचमुच तुम धन्य हो देवी। स्वामी, जिसकी प्रतीक्षा थी वह समय आ गया पवन देव। नग मुनि के हवन कुंड में प्रज्वलित हमारे ओज की यज्ञाग्नि को देवी अंजना की कोख में स्थापित कीजिए और हमारे 11वें रुद्र अवतार की प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा महादेव। अब आपका दूत होने के कारण अंजना और केसरी के होने वाले महाप्रतापी पुत्र के नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा होगा। इस सेवा के लिए मैं कृतज्ञ हूं शिव शंकर। आपकी जय हो। जय हो शिव शंकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम नगमुनि। प्रणाम पवनदेव। जाइए, आप सब आश्रम की व्यवस्था देखिए। ऋषिवर, मैं भगवान शिव का संदेश वाहक बनकर आपके पास आया हूं। क्या संदेश भेजा है विशेषवर शिव ने? आपके हवन कुंड में यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित शिव के ओज को 11वें रुद्रावतार की माता अंजना को प्रदान करने का मुहूर्त आ गया है।
कृपया मुझे यज्ञाग्नि ले जाने की आज्ञा दीजिए। मैं कृतार्थ हुआ पवन देव, भगवान शिव की आज्ञा के पालन का मेरा दायित्व पूर्ण हुआ। हम सब भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। आप धन्य हैं नगमुनि। लेके अब तक मैंने अपनी आयु के 20 वर्ष आपकी तपस्या के लिए समर्पित कर दिए। यदि आपने प्रसन्न होकर मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, प्रसन्न होइए, ब्रह्मदेव प्रसन्न होइए। भग्नेश्वर नखा, अपना खड़क दो। खड़क क्यों भैया, क्या हुआ? प्रश्न मत करो, खड़क दो। इस कठोर तपस्या के बाद भी
हृदयहीन ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए तो हमारे जीने का अर्थ कुछ नहीं। ऐसा ना कहो भैया, देर से पहले सही ब्रह्मदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। नहीं, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। धन्य हो भ्राता राम, तुम्हारी तपस्या ब्रह्मदेव ने स्वीकार कर ली। ब्रह्मदेव को वरदान देने के लिए आना ही होगा, आना ही होगा। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। देवराज इंद्र की जय हो। इंद्रदेव, विश्वरवा की गस्सी के तीनों पुत्र अप्रियकरण तपस्या कर रहे हैं। रावण की तपो शक्ति बढ़ती जा रही है देवराज, उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश काटकर अग्नि में झोंक दिया। अग्निदेव और वो सिर आपका आहार बन गया और हमारा शत्रु रावण यमलोक पहुंच गया। नहीं इंद्रदेव, रावण की कई वर्षों की लगातार तपस्या से उसमें अद्भुत शक्ति आ गई। अग्निदेव लाख प्रयत्न करने पर भी उसके शीश को भस्म नहीं कर पाए। अर्थात रावण अब तक जीवित है? हाँ देवराज, वो हम देवों की शक्ति से परे पहुंच गए। अब हम रावण और उसके भाइयों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नारायण नारायण, देवराज अग्निदेव ठीक कह रहे हैं, रावण सचमुच अजय हो गया है। उसकी तपस्या का बल इतना बढ़ गया है कि ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना ही पड़ेगा। देव ऋषि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्या आप उन्हें वरदान ना देने के लिए मना नहीं सकते? मैं अभी अभी ब्रह्मलोक से ही आ रहा हूँ देवराज। ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं को सावधान कर दो, रावण का तपोबल इतना बढ़ गया है कि देर सवेर ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। एक बार वरदान पाने पर रावण और उसके भाई चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे देव ऋषि। कैसी भोली बातें कर रहे हो वरुण देव, क्या चुपचाप बैठे रहने के लिए ही रावण अपने भ्राताओं सहित इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? इसीलिए तो मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। हमें क्या करना होगा देव ऋषि, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण, देवराज मैं नारायण भक्त भला आपका क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। बस इतना ही कहूंगा कि शीघ्र ही नारायण की शरण में चले जाइए, राक्षसों से आक्रमण के समय वे ही आपकी सहायता करेंगे। नारायण नारायण, एक शुभ समाचार तो मैं देना भूल ही गया। कैसा शुभ समाचार देव ऋषि? नारायण के परम भक्त भगवान शिव 11वां रुद्र अवतार लेकर वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र के रूप में शीघ्र ही किष्कंधा में जन्म लेने वाले हैं। विद्युधर तुम? हाँ महाराज, इसने युद्ध में हारकर आपकी अधीनता स्वीकार करके भी इसने आपके विरुद्ध फिर से सर उठाने का प्रयत्न किया और हमारी सेना पर आक्रमण किया। क्यों विदुधर, तुमने क्या समझा था? तुम्हें रण में हराकर हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है? तुम हमें हराकर हमारे राज्य पर अधिकार कर सकते हो? चुप क्यों हो? बताओ तुमने क्या सोचकर हमारी सेना पर आक्रमण किया? युद्ध करना वीरों का धर्म है राजन, हार कर चुप बैठ जाना नहीं। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, अब मैं आपका बंदी हूं, आप चाहे तो मेरी गर्दन उड़ा सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे।
जाओ जब तक विदुधर अपनी भूल की हमसे क्षमा ना मांग ले। इसे बंदी गृह में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। चलो चल। सुन रहे हो पुत्र, तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारे पिता के शत्रु भी वश में होने लगे। जन्म से पहले ही तुम तो चमत्कार दिखाने लगे। आप ठीक कह रही महारानी अंजना, सचमुच हमारा पुत्र असाधारण है। हर दिन वह नए नए चमत्कार दिखा रहा है। तनिक सोचिए महाराज, जब वो जन्म लेने से पहले ही ऐसे चमत्कार दिखा रहा है तो जन्म लेने के बाद क्या करेगा? हाँ अंजना, वह वीर केसरी अपने पराक्रम से अपने माता पिता का नाम अमर कर देगा। भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हमारा पुत्र लाखों करोड़ों में एक होगा। तो? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही हो? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा का शीघ्र ही अंत कर दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम मुझे अपनी गोद में पाओगी। हाँ पुत्र, अब तो मैं दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे बारे में ही सोचना चाहिए तुम्हें, और तुम भला किसके बारे में सोच सकती हो? मेरे सिवा और सब तो साधारण लोग हैं। तुम सच कहते हो वत्स, तुम कितने असाधारण होंगे इसकी तो मैं बस कल्पना ही कर सकती हूँ। कल्पना क्यों करती हो माते, मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहो कहो, मैं तुम्हारा हर सपना सच कर दूंगा। बस मेरा तो इतना ही सपना है कि तू शीघ्र ही मेरी गोद में आ जाए और ये मेरा सोना महल तेरी किलकारियों से गूंज उठे और मैं तेरी मीठी मीठी बातों से सुख पाऊं। बस क्या माते, ये भी कोई सपना है? हा? कोई असंभव कार्य हो तो बताओ, अभी कर दिखाता हूँ। तुम कहो तो मैं आकाश के नक्षत्र तोड़कर तुम्हारे चरणों में रख दूं। तुम कहो तो मैं पर्वतों को उखाड़कर उनसे समुद्र को फाड़ दूं। तुम कहो तो मैं स्वर्ग और पाताल एक कर दूं। तुम कहो तो बस बस पुत्र, बस बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तुमने इतना कुछ कह दिया है जिसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। माते, तुम और कल्पना कर सको या ना कर सको, परंतु तुम मेरे स्वरूप की कल्पना कदापि नहीं कर सकती। क्यों भला? इसलिए कि मैं तुम्हारी सारी कल्पनाओं को मिथ्या कर दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना अद्भुत हूँ। भगवान शिव के वरदान से मिलने वाला बालक अद्भुत ही होगा। अब इतनी कल्पना तो मैं कर ही सकती हूँ। आओ मेरे अद्भुत पुत्र, आओ आओ, अपनी माँ के सीने से लग जाओ। आओ, तुम्हारे मिलन से मिलने वाले सुख से बढ़कर इस संसार में कौन सा सुख होगा भला? आओ ना, आओ, 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 कहाँ हो पुत्र तुम मेरे लाल, कहाँ हो? देखो तुम अपनी माँ से छल कर रहे हो, आओ ना। अच्छा तो सपने में आए थे तुम? मुझे तो ऐसा लगा ये सपना नहीं सच हो। बधाई हो, 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 बधाई हो,
बधाई हो देवी, हम भी तो देखें अपने पुत्र को, हमारा पुत्र कैसा लग रहा है। नारायण नारायण। धन्य हो वानर महाराज केसरी, धन्य हो माता अंजना। रुद्र का 11वां अवतार वानर रूप में आपका सुपुत्र बनकर प्रकट हुआ है। इसके समान प्रतापी, बलशाली और परम भक्त युगों युगों में ना हुआ है ना होगा। प्रणाम देवर्षि, हमारे अहो भाग्य जो इस शुभ अवसर पर आपके दर्शन हुए। दर्शन के लिए हम आपके आभारी हैं मुनिवर। माता, आपका सुपुत्र वानर रूप में प्रकट हुआ है, इसका आश्चर्य कदापि ना करें, बल्कि इसे अपना सौभाग्य समझें। ये वानर नरों में श्रेष्ठ और चमत्कारी बलधारी है, ये तीनों लोकों में पूजा जाएगा, बड़ी बड़ी सिद्धियां इसके नाम से जन्म लेंगी। हाँ बोलो, केसरी नंदन अंजनी सूत पवन पुत्र बजरंग बलि की जय। मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल ही करते मंगलमय भगवान, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान,